सभी खास मेहमान हमारे साथ बने हुए हैं। इससे पहले कि मैं अमित जी आपसे बीजेपी का पक्ष लूं, उससे पहले एक सवाल मैं कांतावाला साहब आपसे करना चाहती हूं, क्योंकि लंबे वक्त तक आपने विजय माल्या को डिफेंड किया है। मैं मानसिकता समझना चाहती हूं आपके पूर्व मुवक्किल की, क्या सोच है ये जो बैंक से लोन लेते रहो, पैसे चुका ना पाओ, कंपनीज खोलो, एनपीए हो, लोगों की नौकरियां जाएं, और इन सब के बीच आप अपने लिए आराम का इंतजाम, मैं बदसूरत शब्द इस्तेमाल नहीं कर सकती, लेकिन जो तस्वीरें हम दिखा रहे हैं हमारे दर्शक समझ रहे होंगे, उनके लिए आन बान शान का मतलब क्या है, ग्लैमर की जिस चकाचौंध में जीने की उन्होंने आदत बना ली, क्या मानसिकता है ऐसे आदमी की, जरा देश को बताइए। अंजना जी, पहले तो मैं मिस्टर विजय माल्या का वकील नहीं हूं, मैं आपके शो पे एज एन एडवोकेट आया हूं, और मैं ये कहना चाहता हूं कि ये कंट्री में ये शायद कोई एक सेकंड, चूंकि आपने ये कहा है तो मैं भी बता दूं कि मुझे जो जानकारी दी गई थी आपके उनके वकील के हैसियत में हमने आपको बिठाया था, तो चलिए ठीक है, कोई बात नहीं, अगर आप उनको नहीं जानते हैं तो फिर तो इस सवाल का कोई मतलब ही नहीं है। मैं अब इस बहस को आगे ले जाती हूँ अन्य लोगों के पीस। अमित मालवीय जी, मुझे इस सवाल का जवाब दीजिए, जो कांग्रेस ने आज हमला किया है, और सवाल यह है कि आप ही की सीबीआई आईबी से पूछती है कि लुकआउट नोटिस है, फिर भी ये बाहर कैसे चले गए, वित्त मंत्री बताते हैं संसद में कि कोई कानूनी वैधता ही नहीं है उन्हें रोकने की, खड़े कहां हैं आप लोग विजय माल्या पर? अंजना जी, मैं दो तीन बातें कहना चाहूंगा। पहली तो ये कि सोनिया गांधी को कांग्रेस पार्टी के लाखों कार्यकर्ताओं ने चुन के पार्टी का अध्यक्ष बनाया, उन्होंने 5,000 करोड़ की प्रॉपर्टी का दमन एक तरीके से कांग्रेस पार्टी के पैसे को यूज करके किया। आपने मेरा और सवाल नहीं आज सुना की तारीख में वो बेल पे बाहर हैं। तो कांग्रेस पार्टी नैतिकता की बात तो बिल्कुल ना करें। अमित जी, मेरा दूसरी सवाल बात नहीं सुना आपने, मैंने आपकी सवाल सुना, मैं आ रहा हूँ उस पर। दूसरी बात ये है कि जहाँ तक किंग फिशर का सवाल है, ये कंपनी 2004 में शुरू हुई और 2012 में इस पे ताले लग गए। इस पूरे दौरान में यूपीए सरकार सत्ता में थी, उसको कर्जा दिया गया 2008 में जब कंपनी की स्थिति डामाडोल थी, तब उनको दोबारा से कर्जा दिया गया 2010 में, रिस्ट्रक्चर करके कर्जा दिया गया, और 2012 में वो कंपनी पूरी तरीके से बंद हो गई। मेरा सवाल ये है कि 2012 से लेके 2015 जब एनडीए सरकार आने के बाद विजय माल्या को पहली बार नवंबर 2015 में विलफुल डिफॉल्टर घोषित किया गया, और उसके बाद हमारी सरकार ने बैंकों को पूरी छूट दी कि जिस भी आदमी ने आपके पैसे को या जिस कंपनी ने आपके पैसों को लेके उसका भरपाई ना की हो, आप उसके पीछे जाएं। तो ये पोजीशन है विजय माल्या की और बैंकों को लेके। दूसरी बात, आपने बता दिया, मुझे अभी भी शक है कि आपने मेरा सवाल नहीं सुना। मैं आपकी बात का जवाब दे रहा हूँ। आपने सबसे कार्यक्रम के शुरू में एक किसान को दिखाया, फर्क सिर्फ ये है, विजय माल्या के वकील है क्या? कि वो किसान का कांग्रेस पार्टी में यूपीए के दौरान कोई मित्र नहीं था, और विजय माल्या का ये कांग्रेस पार्टी बिल्कुल मित्र थे, जिनकी वजह से इनको ऋण पे ऋण मिलता रहा, और फिर एक कंपनी को डुबो के और आज चपत लगा के देश से बाहर हैं। योगेंद्र यादव जी कुछ कहना चाह रहे हैं आपकी बात पे। एक सेकंड, मैं आ रही हूँ। ठीक है, आपने महत्वपूर्ण बात कही है, मुझे अंजना जी, जो हिंदी का मुहावरा, यादव जी, जो हिंदी का मुहावरा है, इस हमाम में सभी नंगे हैं। आपके सारे मित्रों की बात से स्पष्ट है, बिल्कुल स्पष्ट है कि कांग्रेस के जमाने में इन्हें लोन मिला, लोन का रिन्यूअल हुआ, और जब स्ट्रिक्ट एक्शन होना चाहिए था कुछ नहीं हुआ। हकीकत ये भी है कि राज्यसभा में जीते ये जनता दल सेकुलर और बीजेपी दोनों की मदद से जीते। जब ये सवाल आता है तो सेकुलर और कॉमन एक हो जाते हैं, कोई दिक्कत नहीं होती। इस देश में देशद्रोह पे बड़ी बहस हो रही है पिछले एक महीने से, तो सब कुछ करो, 9,000 करोड़ का लोन लो, उसको भगा दो देश से, फिर उसके बाद कहो भारत माता की जय और आप हो गए राष्ट्रवादी। मैं पूछना चाहता हूँ, आज पूछिए देशद्रोही कौन है और देशभक्त कौन है? ये देशद्रोह नहीं है, कांग्रेस से लेके बीजेपी तक ये कर रहे हैं, और जिस भाषा में इस देश के वित्त मंत्री बोल रहे हैं, मुझे तो हास्यास्पद लगती है वो भाषा कि कोई नोटिस नहीं था। अरे भाई, नोटिस दिलवाने वाले आप हैं, नोटिस क्यों नहीं था जिस वक्त वो जा रहे थे?
इसका जवाब दीजिए, देशभक्ति का सवाल इस संदर्भ में पूछना चाहिए। अमित जी इसका जवाब दीजिए। अंजना जी इसका बहुत सीधा सवाल है, फिर मत भागिएगा दाएं बाएं। इसका जवाब ये है जी, नहीं अंजना जी मैं कुछ कहना चाहूंगा, मुझे एक मिनट वक्त दीजिएगा। कोर्ट की प्रक्रिया है वो चल रही थी, कोर्ट ने ऐसा कोई फरमान जारी नहीं किया जिससे ये उनके ट्रैवल पे या उनके रहने पे या उनको गिरफ्तार किया जाए। क्या आम आदमी पार्टी, आपकी सीबीआई ने ये मांग की थी उससे पहले? योगेंद्र यादव ये कहना चाह रहे हैं कि इस सरकार को यूनिलैटरली इन मुद्दों पे काम करना चाहिए और जो लीगल प्रोसीडिंग चल रही है उसको नहीं रिकॉग्नाइज करना चाहिए। मैं आपको यूपीए के कार्यकाल पे ले जाऊं, जब उन्होंने डिफ्रीज करके सारी बातें सार्वजनिक हो चुकी थी, आपने कब पूछा चाहते हैं? आपकी सीबीआई ने, आपकी आईबी ने कब नोटिस इश्यू किया, कब मांगा आपने? आपने मांगा हो, कोर्ट ने नहीं दिया हो, मैं समझ सकता हूँ। कोर्ट ने मांगा क्या? जब कोर्ट में प्रोसीडिंग चल रही है, इनको रोका जाए, विलफुल डिफॉल्टर की तरह इसको ट्रीट कर रहे हैं और ये मैटर कोटाधीन है, तो आप चाहते हैं कि सरकार इसमें यूनिलैटरली इंटरवीन करे? क्या हमारे देश की न्याय क्या हमारे देश की न्याय आपको कोई विश्वास नहीं? जब पहले क्या बैंकों की स्वायत्तता पे आपको कोई विश्वास नहीं? मामले में भी बच्चों जैसी बातें कर रहे हैं आप लोग। तो बड़े कोर्ट अपने आप इश्यू नहीं करता, सरकार के वित्त मंत्री जो अनुरोध करती है कोर्ट के पास, क्या आपने अनुरोध किया? वित्त मंत्री बड़े सुलझे हुए आदमी है, बड़े अनुभवी आदमी है, नहीं सरकार के वित्त मंत्री बड़े अनुभवी आदमी हैं, उनको तो मालूम पड़ा रहना चाहिए था कि ये भाग जाएगा, ये तो फितरत है उसकी। आपने उनको जाने की इजाजत दी, बड़े अदब के साथ जाने की इजाजत दी, मान लीजिए अब कोशिश ये कीजिए कि उनको वापस कैसे लाया जाता है। ललित मोदी को तो लाया नहीं जा सका, आप उनको तो ले आइए, ये प्रत्यर्पण कैसे कराते हैं? आर्थिक अपराधी है वो आदमी, देश के हजारों करोड़ रुपया लूट के चला गया है, किसान मर रहे हैं। आपका ये दो तरह का चरित्र, बैंकों का दो तरह का व्यवहार आम देश की जनता को पचेगा नहीं। संजय जी सबके आरोप आप पर है, एक आदमी और उसका गीत और संगीत सुन लीजिए। अंजना जी, संजय जी आपको एक उदाहरण देना चाहूंगा। ललित मोदी को त्रोकी से लेकर न जाने कितने भारतीय जनता पार्टी के अंजना जी अमित जी आपको थोड़ा सा इंतजार करना होगा सर, भारतीय जनता पार्टी के बोलने फिर मैं आपके पास पर्दाफाश जरूर आऊंगी जवाब लेने। हां बोलिए। मैं भारतीय जनता पार्टी के झूठ का पर्दाफाश करना चाहूंगा। उनके प्रवक्ता बिल्कुल गलत बात बोल रहे हैं। प्रिया पिल्लई को कोई नहीं जानता था, वो तो ग्रीन पीस की एक्टिविस्ट थी। उनको रुकवाने के लिए इन्होंने अचानक इन्होंने नोटिस देके उनको रुकवा दिया, उनको प्लेन में नहीं बैठने दिया। एक जाने माने चेहरा जिनके बारे में हर रोज चर्चा पेश होता है, उनको इन्होंने रेड कार्पेट पर 12 सूटकेस के साथ प्लेन जेट एयरवेज के फ्लाइट में बैठा के लंदन भेज दिया है, और यहाँ ये भाषण दे रहे हैं भ्रष्टाचार रोकने का। मैं तो यही कहूंगा कि अमित मालविया जी जरा सच्चाई को देखिए आईने में, क्योंकि एक ही विजय माल्या नहीं है, 10 बड़े उद्योगपति हैं। इसीलिए राहुल जी ने आपको सूट बूट की सरकार कहा है, आपने फेयर एंड लवली क्रीम लगा के काले धन। क्या विजय माल्या 15 लाख काला धन लाने वाले हैं भारत के 125 करोड़ लोग के लिए? ललित मोदी के साथ बैठ के क्या वो बटोर रहे हैं कि वो जो मोदी जी ललित मोदी किसके टाइम पे गया वादा दिया था कि 15 लाख करोड़ हम लोगों को? संजय झा जी, संजय झा जी और ललित मोदी लाएंगे, जरा जवाब दीजिएगा। मैं दो बातें कहना चाहूंगा यहाँ पे, एक सेकंड आपको रुकना पड़ेगा, मैं चाहती हूँ बिजॉन जी भी बोले, फिर आखिरी में आप बोलिएगा सब, प्लीज बिजॉन जी। नहीं हम तो ये कहेंगे कि सब लोगों को ये मालूम है, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स जो नॉमिनेट होते हैं बोर्ड में उनको सबको मालूम है, बैंक को सारे चीज मालूम है कि क्या हो रहा है, कहाँ पर डिपॉजिट्स नहीं हो रहे हैं, सारे ऑयल कंपनीज के बकाया है, लैंडिंग फीस बकाया है। यू नो 2012 से लेकर 2016 तक आपने कुछ एक्शन नहीं लिए, क्यों नहीं लिए? 2012 में क्यों नहीं लिए, 2013 में क्यों नहीं लिए, ये क्यों पेंडिंग रहे? क्यों नहीं FIR लॉन्च हुआ? CBI ने क्लियरली कहे हैं कि FIR लॉन्च कीजिए, क्यों नहीं FIR लॉन्च हुए? क्यों नहीं प्रोसिक्यूशन शुरू हुआ? सुजय जी जवाब देना चाह रहे हैं, सुजय जी जल्दी से, उनके पासपोर्ट आप इंपाउंड कर सकते हैं। सुजय जी जल्दी से, ये तो सारा सांठ गांठ रहा, सब लोग इसके भागीदारी लिए हैं। एक बात और इसमें ध्यान देने की बात है, नहीं 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 एक और इसमें महत्वपूर्ण बात यह है,
नहीं, इसमें एक और महत्वपूर्ण बात यह है अंजना जी कि मोदी लुफ्त जो एक प्राइवेट एयरलाइन चली थी वो भी डूबी और उसके साथ साथ हजारों करोड़ रुपए बैंकों के डूबे, उसके बावजूद भी किंगफिशर के मामले में ये कौन लोग हैं? ये बैंकों के सीएमडीज हैं और रिजर्व बैंक के कुछ अधिकारी हैं और ये जो भारत सरकार के अंदर जो बड़े बड़े अधिकारी बैठे हैं फाइनेंस मिनिस्ट्री में, ये सब लोग मिलकर के काम करवा रहे हैं। उनको कौन से मिनिस्ट्री से इंस्ट्रक्शंस आए? एक आदमी पैर रगड़चा रह जाता है जो मध्य वर्ग का हो या कोई भी किसान हो एक कर्ज के लिए, लेकिन यहाँ पर डिफॉल्ट करने के बावजूद इतना लोन पर लोन। जल्दी से अमित जी सबके सवाल का जवाब दीजिएगा। मैं उम्मीद रखूंगी कि आप भी आरोपों की बौछार ना करके कुछ जिम्मेदारी और जवाबदेही की तरफ ले जाए। जल्दी बिल्कुल अंजना जी, जो बेजान मिश्रा ने जो बात कही लोन के मामले में, जो जितने स्टैट्यूटरी ऑब्लिगेशंस किंगफिशर एयरलाइंस के ड्यू थे जो यूपीए के कार्यकाल में थे, उसको डिमांड नहीं किया गया, उन स्टैट्यूटरी ऑब्लिगेशंस को रीपे करवाने की कोई कोशिश नहीं करी गई और कंपनी फाइनली 2012 में बंद हो गई। क्या सरकारी लापरवाही की वजह से विजय माल्या देश छोड़कर चले गए? जो जवाब हल्ला बोल देखने वाले दर्शक दे रहे हैं उसके मुताबिक 72% कहते हैं हाँ और बाकी 28% नहीं। हल्ला बोल में इतना ही, देखते रहिए आज तक। और अब अगली खबर का रुख करेंगे। बीजेपी सांसद योगी आदित्यनाथ ने पीएम मोदी के मुरीद अनुपम खेर पर करारा वार किया है। योगी आदित्यनाथ ने कहा कि अनुपम खेर रियल लाइफ में विलन है। वेलकम रितेश, यू गॉट अ रॉक स्टार वेलकम हियर।